बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ बसेरा ऊंचाई पर। इस पाठ में हम यह निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। पहला, कहानी एक यात्री की। दूसरा, कैसे की तैयारी। तीसरा, ठंडा रेगिस्तान। चौथा, दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। पांचवा, चांगपा। छठवा, श्रीनगर की ओर। सातवा, वापसी का समय। कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते थे। हम लोगों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक था। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत कहानी के बारे में सुनाता हूँ। हमने दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की थी। कैसे की तैयारी। मेरी यात्रा लगभग 2 महीने की थी कि इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था। वह मोटरसाइकिल पर लदकर मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया था। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक ख़राब न होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी थे। मैं मुंबई से निकला था, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा था। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते, वही एक जैसे घर सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए थे। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा, छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे हैं। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि सिर्फ मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती थी। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज़ आँख खुलती थी। बच्चों क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ, कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच ही गए थे। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा मतलब और ठंडा रेगिस्तान था। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, वहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान दिखता है था।
मैंने लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे थे। वो लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर। गैरव ने बताया कि ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया था। उसका घर 2 मंजिला था। वह पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास घूस फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया था। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के लिए रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का, किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती है। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। वह खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उसके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब आगे बढ़ने का समय था। टेढ़े मेढ़े साकरे पहाड़ी रास्ते से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर थे। लोनर का तलना चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुन सुनासान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने से भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा से मैं सांस लेने की आदत सी पड़ गई थी। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। न ही कोई पेट्रोल पंप, मैकेनिक, कुछ नहीं। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातों और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ रहा था। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने बड़ा सा हरा मैदान था और उसमें चरती भेड़ बकरियां थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान मैदान में इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गौरव को इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में परेशानी क्यों हो रही थी? क्या आप भी कभी इतनी ऊंचाई पर गए हैं?
और क्या पहाड़ों पर आपको भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी? चांगपा। फिर उसने बताया कि वहाँ मैं मिला नामक ग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला था। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग चांगपा घुमतू लोग थे, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते थे। उन अपनी भेड़ बकरियाँ के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते थे। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियाँ ही इनका सबसे बड़ी पूंजी थी। जितनी भेड़ बकरियाँ उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियाँ पालते थे, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होते हैं। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालत में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते थे। यही है इनकी ज़िंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं थे और इनका घर तैयार हो जाता था। दुनिया में मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में जड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इतनी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे? आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े टिकोने टेंट में ले गया था। यह अपने टेंटों को रेपो कहते थे। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते थे, जिन्हें सिर कर जोड़ लेते थे। ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी। मैंने देखा कि ये पट्टियाँ 9 इंडियों के सहारे जमीन से बांधी थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। फिर गड्ढे के आसपास ही ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा
था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। दो लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था रेबो की बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सकता था। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते थे। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता था और हवा भी बहुत तेज चलती थी। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते थे। हर परिवार अपने जानवरों को झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता था। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते थे और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम होता था। बच्चों, चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी थी। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर आदि। 5 उदाहरण देकर बताइए कि जानवर अपनी जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। बताइए कि क्या भेड़ बकरियों को अपने बाल की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी जगह के नाम बताएं जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ऐसी खबरें हमें कब सुनने में आती है। श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए थे। न चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा था। मैं कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा था। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी थी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते थे। उन घरों के मैंने कई फ़ोटो खींचे। ये फ़ोटो तुम भी देखो। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इस इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया था। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर देखे जिन्हें देखकर मैं पड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ है, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे थे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापसी नहीं आना चाह रहा था रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी
इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था। और यह अंत थोड़ी थोड़े ही है, मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर। बच्चों, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर होते हैं जो कि लोगों की और मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। ऐसे ही आप कुछ दिए गए चित्र में भी देख सकते हैं। और बच्चों, दिए गए चित्रों में आप श्रीनगर के घरों को भी देख सकते हैं। बच्चों, क्या आपके इलाके में भी अलग अलग प्रकार के घर हैं? अगर है तो वह किस चीज़ से बने हुए हैं? और क्या आपके घर में कुछ खास बात है, जैसे बड़ा बरामदा या ढलवा छत? चलिए बच्चों, अब दिए गए चित्र में देखिए, यह लकड़ी और मिट्टी के घर वे घर के घर है जिसमें सर्दियों में कोई नहीं रहता, बस गर्मियों में बकरी चराने वाले लोग यहाँ रहते हैं और बकरियों को ऊंचाई पर चराने ले जाते हैं। चलिए बच्चों, अब इस पार्ट के कुछ प्रश्न देखते हैं। भला गौरव जानी ने अपनी मोटरसाइकिल का क्या नाम बताया था? दूसरा, मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता कितने किलोमीटर का था और गौरव ने यह कितने दिन में तय किया था? तीसरा, ताशी का घर कैसे बना हुआ था? चौथा, गौरव को रेबो को अंदर से देखकर क्या कहा था? पांचवा, श्रीनगर में लोग कहाँ पर बने घरों में रहते थे? चलिए बच्चों, प्रश्नों के ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला, गौरव जानी अपनी मोटरसाइकिल को लोनर कहते थे। दूसरा, मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने 3 दिन में तय किया था। तीसरा, वह पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बना था, उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी, अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। चौथा, रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। पांचवा, कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर तरह तरह के घरों में लोग रहते थे। स्लाइड 16। तो बच्चों, हमारा आज का पार्ट यही पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको खूब मज़ा आया होगा। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।